सन 1920 में जब जॉर्जेस लेमेटायर ने बिग बैंग थ्योरी को दुनिया के सामने रखा, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी पर कई सवाल खड़े किए हैं और कुछ वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी के अलावा ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की अलग अलग थ्योरीज दी हैं। आज के इस वीडियो में हम बिग बैंग थ्योरी के ऊपर उठे कुछ सवालों और बिग बैंग थ्योरी के अलावा दी गई थ्योरीज के बारे में जानेंगे। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ को फॉलो नहीं करती, जिसके हिसाब से एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो फिर कुछ नहीं से यानी कि नथिंग से ये पूरा ब्रह्मांड, जिसके अंदर एनर्जी और मैटर दोनों मौजूद है, ये कैसे अस्तित्व में आ गया? लेकिन इस सवाल को दो रीजंस की वजह से अमान्य कर दिया गया। पहला रीजन कि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण यानी कि क्रिएशन को नहीं दर्शाती, बल्कि यह ब्रह्मांड के विकास यानी कि इवोल्यूशन को दर्शाती है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट से फैल गया है, लेकिन वह पॉइंट कैसे बना, इसकी जानकारी हमें बिग बैंग थ्योरी से नहीं मिलती। दूसरा रीजन, जब हम ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की बात करते हैं, तो उस पॉइंट पर जहाँ से सबकी शुरुआत हुई, वहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ से कंपेयर करना अपने आप में ही गलत है। दूसरा सवाल तब सामने आया जब 1980 में एलन गुथ नामक एक वैज्ञानिक ने इन्फ्लेशन थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। अगर आप इन्फ्लेशन थ्योरी के बारे में नहीं जानते, तो आने वाले एपिसोड में हम इसे विस्तार से जानेंगे। अभी आप बस यह जान लीजिए कि इन्फ्लेशन थ्योरी ने हमें एक ऐसा टाइम पीरियड दिया जिसके बीच में यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, जिसे अर्ली इन्फ्लेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अर्ली इन्फ्लेशन पीरियड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक रूल को गलत साबित करता है, जिसके हिसाब से लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता, और अर्ली इन्फ्लेशन पीरियड 10^-36 से 10^-32 के बीच है। तो इसके हिसाब से अगर ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से फैलता, तो ब्रह्मांड की एज और इसका फैलाव समान होता, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम ब्रह्मांड की एज की बात करें, तो यह 13.8 बिलियन साल पुराना है, लेकिन इसका फैलाव करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स में है। इस सवाल पर कुछ वैज्ञानिक जो बिग बैंग थ्योरी को सही मानते हैं, उनका कहना है कि इसका जवाब हमें दो तरह से मिलता है। पहला तो यह कि बिग बैंग की शुरुआत में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई नहीं किया जा सकता, और दूसरा यह कि स्पेस खुद लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज फैल सकता है, क्योंकि स्पेस पर ग्रेविटी के नियम लागू नहीं होते। अब कुछ थ्योरीज या यूं कहें कि कुछ मॉडल्स की बात करते हैं जो बिग बैंग को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, यह थ्योरी उन थ्योरीज में जो बिग बैंग के अलावा दी गई उनमें बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही। इसके हिसाब से ब्रह्मांड की न तो शुरुआत हुई है और न ही इसका अंत होगा, यह हमेशा से ही यहाँ मौजूद था। यह थ्योरी 1920 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर हरमन बॉन्डी द्वारा दी गई थी। इनका कहना था कि ब्रह्मांड की एवरेज डेंसिटी हमेशा समान दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और दूसरी चीज़ों का निर्माण लगातार होता रहता है, और उसी के साथ पुरानी चीज़ें नष्ट होती रहती हैं। एक पायरोटिक मॉडल, इस मॉडल की नींव बिग बैंग थ्योरी को ही आधार मानकर रखी गई है, जो हमें उस सवाल का जवाब देती है जिसका जवाब हमें बिग बैंग इन्फ्लेशनरी मॉडल से नहीं मिलता, कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। इस मॉडल के हिसाब से 2-3 आयामों वाली दुनिया यानी कि 3D वर्ल्ड्स के आपस में टकराने की वजह से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और यह पूरी घटना छुपे हुए चौथे आयाम यानी कि 4th डायमेंशन के अंदर हुई। यह थ्योरी 2001 में एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट पॉल जोसेफ स्टीनहार्ट के द्वारा दी गई थी। इनके अलावा और बहुत सारी थ्योरीज दी गई, लेकिन बिग बैंग थ्योरी और इन्फ्लेशन थ्योरी जितना सटीक एक्सप्लेनेशन किसी थ्योरी का नहीं था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।